हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडी ट्रैक। आई एम रविता रानी, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन एम्स भोपाल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस वीडियो में एम्स के फी स्ट्रक्चर पे बात करूंगी। एम्स से अगर आप बीएससी नर्सिंग या एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपको टोटल जो बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स का कोर्स होता है उसकी फ़ीस कितनी देनी होती है, और अगर आप एमबीबीएस करते हैं जो कि 5.5 ईयर्स की होती है उसके लिए आपको कितनी फ़ीस देनी होती है। तो आज इस वीडियो में मैं एम्स फ़ी स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगी। कॉलेज फ़ी, मेस फ़ी, हॉस्टल चार्ज, बुक्स और कुछ भी और अदर जो एक्सपेंसेस होती हैं वो क्या होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो जो मेरा मेस फूड वाला वीडियो था उसमें आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था, ये पूछ रहे थे आप लोग कि मेस चार्ज क्या होता है, या फिर आप लोग बहुत सारा चीज़ पूछ रहे थे, मतलब ओवरऑल फी स्ट्रक्चर भी पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में आपका वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करके वहाँ भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो भी आप वहाँ पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर टैप कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के मैं नए नए वीडियोज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। तो बेल आइकन टैप करने से आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, अदरवाइज़ आप नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर पर। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको 25 रुपीज़ लगते हैं, और ट्यूशन फ़ी 600। 600 1 ईयर का नहीं है, ये टोटल 4 ईयर्स का है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पॉट मनी, तो पॉट मनी आपको 960 देने होते हैं टोटल 4 ईयर्स के। उसके बाद हॉस्टल चार्ज आपको देने होते हैं 480 रुपीज़ फॉर होल 4 ईयर्स, एंड कॉशन मनी जो कि 100 रुपीज़ है, और टोटल सिक्योरिटी मनी आपको 1000 रुपीज़ पे करने होते हैं जो कि रिफंडेबल होता है। तो जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आपको टोटल आएगा 3165, और यही है टोटल 4 ईयर्स की फ़ी। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना होता है। लेकिन इसके अलावा जो आपको चार्ज लगते हैं वो लगते हैं मेस में। मेस हर जगह का थोड़ा थोड़ा वैरी करता है, कहीं 40,000 पर ईयर ले लिया जाता है, कहीं पे मंथली पे करना होता है। तो यहाँ पहले लास्ट ईयर जो मेस था वो 2800 का था, अभी जो मेस चल रहा है उसकी फ़ीस है 3300 पर मंथ। ये चीज़ आपको एम्स टू एम्स 200-400 रुपये का फ़र्क आएगा, बट ये एवरेज अगर मान के चलें तो 3000 पर मंथ आपको मेस में लग जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं हॉस्टल, तो हॉस्टल तो आपको उसी में इंक्लूड हो गया, टोटल 4 ईयर्स का आपको लग रहा था 480 रुपीज़। अब बात करते हैं बुक की। सभी एम्स का अपना एक लाइब्रेरी है जिसमें आपको ज़रूरत की सारी बुक्स मिल जाएंगी, और उसके मल्टीपल कॉपीज़ होते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि मैक्सिमम बच्चों को वो अवेलेबल हो जाए, वो पढ़ सकें, और आप अपने आईडी कार्ड पे बुक्स को इशू भी करवा सकते हैं। एम्स भोपाल की बात करें तो एक स्टूडेंट एक आईडी कार्ड पे 2 बुक एक बार में इशू करवा सकते हैं, तो ये आपको परेशानी नहीं होगी। फिर भी आप चाहते हैं तो बुक ले सकते हैं। वैसे भी मेडिकल की बुक्स या नर्सिंग की बुक्स महंगी ही आती है, इसके लिए आप जीरोक्स भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जिस तरह से लगे सही आप वैसे यूज़ कर सकते हैं बुक्स में। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्टाइपेंड। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि एमबीबीएस वालों को इंटर्नशिप के टाइम पे ही पैसे मिलते हैं, लेकिन जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। तो जो स्टाइपेंड का अमाउंट है पर मंथ वो है 500, और हम सभी को 500 पर मंथ स्टाइपेंड के मिलते हैं। बाकी अदर एक्सपेंसेस आप पे डिपेंड करती है कि आप शॉपिंग कितना करते हो, घूमने कितना जाते हो। मैक्सिमम आप 5 to 6,000, उससे ज़्यादा क्या ही खर्च करोगे। और उसके बाद हम बात करें एमबीबीएस फी स्ट्रक्चर की, तो उसमें भी जो मेस है वो भी यही रहता है, लेकिन जो टोटल फ़ी है जैसे बीएससी नर्सिंग का टोटल फ़ी हो गया 3165। सो एमबीबीएस की बात करें तो पूरे 5.5 ईयर्स के लिए आपको सिर्फ देने होते हैं 5856 रुपीज़। इसके अलावा आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना होता है। और जब आपका एमबीबीएस में 4.5 ईयर्स का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है जिसमें आपको पर मंथ मिलते हैं 24,000 रुपीज़। और उसके बाद भी और बात करें स्टेट कॉलेजेस की, तो वहाँ आपको एनुअली फ़ी जमा करना होता है, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको आप एक बार एडमिशन लेते हैं उसी टाइम आपसे पूरा जो 5856 रुपीज़ का है वो यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं
फ़ी वगैरह देना होता है। ठीक है, और बुक्स की बात करें तो उनका भी बुक्स वही लाइब्रेरी में होता ही है, फिर भी वो कुछ विलिंगली ख़रीदना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। और अदर एक्सपेंसेस की हम बात करें तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा होते नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप खुद कितना खर्च करते हैं। अगर आपको शॉपिंग ज़्यादा पसंद है, आपको घूमना ज़्यादा पसंद है, तो एक्सपेंसेस तो होंगी, लेकिन अगर आप ना करें ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च तो आपके 5000 में हो जाएगा पर मंथ, सो उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और फिर भी आपको अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ कुछ पूछ सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूँ। सो टेक केयर एंड बाय।